So hello friends, welcome back to our YouTube channel MedEasy. Today we are going to see MCQs on antihypertensive drug. Before starting the video, I am requesting you all to please share, to like my channel, share it, and also subscribe it and hit the bell icon. So we start with our MCQs. The first MCQ is, which drug should not be given in pregnancy? So ये मैंने आपको बताया था व्हेन आई एक्सप्लेन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कि कौन से ड्रग्स ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं देते. तो द ड्रग्स लाइक एसी इनहिबिटर्स एंड एआरबी इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये जो ड्रग्स होते हैं दे आर नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी. व्हाई? Because they causes renal agenesis. Okay, means जब जो fetus होता है उसमें kidney की growth के लिए RAS system का activate होना बहुत ही जरूरी होता है. अगर हम RAS system को ही inhibit कर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि fetus के अंदर जो भी child है उसके अंदर किडनी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से रीनल एजिनेसिस होगा. दैट्स व्हाई एसी इनहिबिटर्स एंड एआरबी इनहिबिटर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी. तो दिस ड्रग्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी. ओके, तो हम कौन सा ड्रग विश नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी, कौन सा ड्रग हम ले देंगे? सो दैट इज एसी इनहिबिटर्स. ओके, सो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ड्रग हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं. सो द ड्रग विच आर यूज इन हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, हम उसको एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, डूइंग बेटर मदर केयर इन हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी. ओके, डी फॉर डायहाइड्रोपिरिडिन्स, बी फॉर बीटा ब्लॉकर्स लाइक लैबिटालोल. ओके, सी फॉर क्लोनिडिन, एम फॉर अल्फा मिथाइल डोपा, हाइपरटेंसिव फॉर एच फॉर हाइड्रिलाजिन एंड पी फॉर प्रेजोसिंग. ओके, तो ये निमोनिक है जिससे हम याद कर सकते हैं कौन से ड्रग हम देंगे इन हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी. ओके, सो वी मूव ऑन विद अवर नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रंटलाइन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, कि इसमें से फ्रंटलाइन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट कौन सा नहीं है. ठीक है, सो फ्रंटलाइन एंटी फर्स्ट लाइन जो ड्रग मैंने आपको बताए थे, फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वो कौन से थे? तो दैट इज ए सी डी. ओके, ए फॉर ए सी इनहिबिटर्स और ए आर बी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, सी फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड डी फॉर डायबिटिक्स. ओके, तो ये थे हमारे ऐसे ड्रग्स जो फर्स्ट लाइन हम देते हैं एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स. पहले इन अर्लियर हम पहले ए बी सी डी देते थे, ए बी सी डी बिफोर बीटा ब्लॉकर. ओके, सो लेकिन बीटा ब्लॉकर अभी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है, दैट्स व्हाई वी ओनली गिव ए सी डी. सो इन ऑप्शन ए एनालाप्रिल इज ए सी इनहिबिटर, हाइड्रोक्लोथायसाइड इज डायबिटिक्स, एम्लोडिपिन इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. ठीक है, तो ये लेकिन एटिनोलोल इज अ सिलेक्टिव बीटा वन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, दैट्स व्हाई ये हमारा आंसर होगा एटिनोलोल. समझ में आया? व्हाई? बिकॉज़ ये एटिनोलोल इज नॉट अ इट इज अ बीटा ब्लॉकर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फ्रंट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग. नाउ थर्ड एमसीक्यू, All of the following statement about clonidine are true except of clonidine. Clonidine क्या था? Clonidine alpha receptor हमारे brain में जो इस synaptic vesicle है, ठीक है, इसमें इधर alpha 2 receptor present थे. ठीक है, clonidine क्या करता था? इसको एगोनिस्ट करता था, इसका स्टिमुलेशन करता था. इसके स्टिमुलेशन की वजह से क्या होता था? जो ये नॉर एपिनेफ्रिन का जो रिलीज होता था वो क्या होता था? इनहिबिट हो जाता था. सो ये अल्फा टू रिसेप्टर एगोनिस्ट है और ये न्यूरोट्रांसमीटर लाइक नॉर एपिनेफ्रिन वो सबका
रिलीज को इनहिबिट करता है। ओके सब हम ऑप्शन में देखते हैं। सो इट इज अल्फा टू रिसेप्टर एगोनिस्ट, ये तो सही बात है, ठीक है। इट कैन कॉज ड्राई माउथ एज एन एडवर्स इफेक्ट, तो इसका साइड इफेक्ट है, यस इट ऑल्सो कॉज ड्राई माउथ एज अ साइड इफेक्ट। ओके इट इनहिबिट सिंपथेटिक आउटफ्लो, तो यस जैसे ये क्या करता है सिंपथेटिक आउटफ्लो को इनहिबिट करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बचा, प्रेजोसिन कंप्लीटली एंटागोनाइज इट्स एक्शन, सो इट इज रॉन्ग। ओके प्रेजोसिन इज कंप्लीटली एंटागोनाइज इट्स एक्शन, प्रेजोसिन क्या होता है, प्रेजोसिन इज अल्फा वन रिसेप्टर ब्लॉकर। ओके ये हमारे ब्लड वेसल्स में अल्फा वन रिसेप्टर को ब्लॉक करके जिसकी वजह से वैसोडायलेशन होगा। अब प्रेजोसिन तो अल्फा वन ब्लॉकर है तो उसका अल्फा टू इसका इससे कुछ लेना देना है नहीं ना, तो दैट्स व्हाई इट इज आंसर प्रेजोसिन कंप्लीटली एंटागोनाइज इट्स एक्शन, ये नहीं होगा। नेक्स्ट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इज, सो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड क्या करेगा, ये क्या करेगा गोनाडाइड साइक्लेस को इंक्रीज करेगा, स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से जीटीपी का साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्शन होगा और ये मायोसिन लेट चेन काइनेज फॉस्फेटेस को एक्टिवेट करेगा जिसकी वजह से वेजो डायलेशन होगा। ओके इसकी मैकेनिज्म मैंने डिटेल में समझाई हुआ है, मैं इसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, ठीक है, तो आप उधर जाके देखना। सो द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड क्या होता है, सो इट इंक्रीज साइक्लिक एएमपी, ना ये साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज नहीं करता। इट इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, नो इट इज अ वैसोडायलेटर। इट इज अ पोटेशियम चैनल ओपनर, नो इट इज ऑल्सो नॉट अ पोटेशियम चैनल ओपनर। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड क्या था, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड कंबाइंड डायलेटर था, कंबाइंड वैसोडायलेटर मींस ये क्या करता था, इट डायलेट बोथ आर्टरी एज वेल एज वेन्स। ओके अब पोटेशियम चैनल ओपनर कौन कौन से थे, तो पोटेशियम चैनल ओपनर में कौन से ड्रग आते थे, सो दैट आर MDH मसाले, ठीक है, मिनोक्सिडिल डायसोक्साइड एंड हाइड्रेलाजिन। ओके तो इसका आंसर क्या बचा, बी स्टिम्युलेशन ऑफ गोनाडाइड साइक्लेस। ओके सो नाउ वी सी अवर नेक्स्ट एमसीक्यू, पोस्टरल हाइपोटेंशन इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स। ओके पोस्टरल हाइपोटेंशन किसकी वजह से होता है, तो पोस्टरल हाइपोटेंशन किसकी वजह से होता है, तो मान ली आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, इधर अल्फा वन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ओके अल्फा वन रिसेप्टर के इनहिबिशन की वजह से क्या होता है, हम किसी पेशेंट को अगर अल्फा ब्लॉकर देंगे, अल्फा वन ब्लॉकर लाइक प्रेजोसिन, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें कभी कभी वेजो मैसिव वेजो डायलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से पोस्टरल हाइपोटेंशन जैसे साइड इफेक्ट ऑकर होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, दैट इज अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है, अल्फा रिसेप्टर के ब्लॉक होने की वजह से ये हाइपोटेंशन होता है ड्यू टू सडन वेजो डायलेशन। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू इज प्रोलॉन्ग यूज ऑफ हाइड्रेलाजिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन लाइकली टू कॉज, सो ये मैंने आपको हाइपरटेंशन वाले चैप्टर में समझाया था। सो इट कॉजेस ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस, कौन कौन से ड्रग्स होते हैं जो सिस्टम में ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस करते, तो दैट आर शिप शिप ड्रग। ओके अब इसमें एच फॉर क्या आता है, हाइड्रेलाजिन। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग ए आर बीस एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर इज हैविंग यूरिकोसूरिक इफेक्ट, ठीक है, सो कौन सा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होता है जिसका यूरिकोसूरिक इफेक्ट होता है, तो दैट इज लोसार्टन, आंसर इज लोसार्टन। ओके अब लोसार्टन होता है उसका क्या फंक्शन होता है, इट डिक्रीजेस यूरिक एसिड, वो ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल डिक्रीज करता है, ठीक है। टेलमिसार्टन, टेलमिसार्टन क्या करेगा,
तो टेलमिसार्टन इज अ पीपीए गामा एगोनिस्ट, ठीक है, इट इज अ पीपीए गामा एगोनिस्ट, दैट्स व्हाई इट इज यूजफुल इन द पेशेंट ऑफ डायबिटीज मलाइटस। ओके, सो ये था इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एआरबीज। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू, हायर इंसिडेंस ऑफ एमआई इंक्रीजिंग मोर्टेलिटी हैज बीन नोटेड विद द यूज ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव। के क्या पूछा है इसके अंदर के हायर इंसिडेंस ऑफ एमआई, एमआई का इंसिडेंस और उसकी मोर्टेलिटी कब इंक्रीज होगी, मतलब हम कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज करेंगे जिसकी वजह से एमआई की मायोकार्डियल इन्फ्लेक्शन और कार्डियक मोर्टेलिटी किसमें इंक्रीज होने के चांसेस है। तो इसके ऑप्शन है निफिडिपिन, वेरापामिल, डिल्टेजम और लिसिनोप्रिन। ओके, सो वेरापामिल फर्स्ट वी स्टार्ट विद लिसिनोप्रिन। लिसिनोप्रिन इज एसी इनहिबिटर। ओके, तो ये तो यूज होता है, ठीक है, इन कार्डियक रिमॉडलिंग हम उसमें इसको यूज करते हैं, ठीक है। डिल्टेजम इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वी कैन ऑल्सो यूज इट। वेरापामिल को भी हम यूज करते हैं, लेकिन निफिडिपिन होता है, निफिडिपिन क्या करेगा, निफिडिपिन का मैंने आपको बताया था इन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वाले वीडियो में, निफिडिपिन क्या करता है, ये सडन वेजो डायलेशन करेगा, सडन वेजो डायलेशन। इसके सडन वेजो डायलेशन होने की वजह से क्या होता है, इट कॉजेज रिफ्लक्स टैकीकार्डिया। व्हाट इट कॉजेज रिफ्लक्स टैकीकार्डिया। अब कोई पेशेंट है जिसको ऑलरेडी एमआई है, ठीक है, उसका हार्ट पहले से ही मरा हुआ है, अगर उसको रिफ्लक्स टैकीकार्डिया हो गया तो हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा, हार्ट को ज्यादा बीट करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो पहले ही कोई इंसान मरा हुआ है उस पर से तुम उससे ज्यादा काम कराते हो तो क्या होगा, वो पूरा ही मर जाएगा। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज निफिडिपिन। सो द राइट आंसर इज निफिडिपिन। ओके, सो इन वी सी अवर नेक्स्ट एमसीक्यू। AC inhibitors को हम किसके साथ नहीं देते हैं, तो AC inhibitors का main side effect क्या था, AC inhibitors क्या करता था, तो it increases level of potassium, वो potassium का level increase करता था। अब ये चारों में से कौन सा drug ऐसा है जो potassium का level increase करता है, तो that is spironolactone। spironolactone क्या है, इट इज अ पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स। ओके, ये क्या करेगा, ब्लड के अंदर फर्दर पोटेशियम का लेवल इंक्रीज करेगा। तो अगर हम एसी इनहिबिटर्स को स्पायरोनोलैक्टोन टाइप डायरेटिक्स के साथ अगर हम उसको देंगे तो क्या होगा, इट फर्दर इंक्रीजेस लेवल ऑफ पोटेशियम इन ब्लड, so it ultimately cause hyperkalemia, that's why we cannot give AC inhibitor with spironolactone। ये आपका right answer हुआ। Next, which of the following drug causes opening of potassium channel in smooth muscle? अब potassium channel openers कौन कौन से होते हैं, potassium channel openers, सो पोटेशियम चैनल ओपनर्स में ड्रग्स आते हैं एमडीएच। ओके, एमडीएच मसाले, एम फॉर मिनोक्सिडिल, डी फॉर डायसॉक्साइड एंड एच फॉर हाइड्रेलासिन, एच फॉर हाइड्रेलासिन। ओके, तो हम ऑप्शन में देखते हैं डायपिरिडामोल, डायपिरिडामोल इसका आंसर नहीं है, ठीक है, डायपिरिडामोल हम इसको देखेंगे इन डिटेल। ओके, इट कॉजेस कोरोनरी स्टील फिनोमिना, इसको हम अनजाना वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, इट कॉजेस कोरोनरी स्टील फिनोमिना। ओके, नाउ सेकंड ऑप्शन इज मिनोक्सिडिल, C option is diazoxide and D is both B and C. So minoxidil and diazoxide both are potassium channel openers. So answer is D. Now it is a question which you have to solve your alone and answer me in
कमेंट बॉक्स, ओके इसका आंसर जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में करें। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हो ऐसे और भी वीडियोस हैं तो उसके लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।